इसी तरह से का दौरा हम आपके बीच यहाँ उपस्थित है दिनभर के बाद, और उसके पहले दीघा में, दानापुर में, सब जगह से जहाँ जहाँ से हमारी पार्टी की ओर से दीवारी है, खासकर इस जिला के शहर में, सभी जगह इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। भाइयों बहनों, इस बार का चुनाव इसमें आपको यह फैसला करना है, तय करना है कि क्या बिहार इसी रूप में चलता रहेगा जिस रूप में आज चल रहा है, या इसमें बदलाव होगा। 15 साल पहले भी इसी मोड़ पर एक बार बिहार खड़ा हुआ था, जब उस समय की सरकार से मुक्ति की हवा चली थी और बिहार भर के लोगों ने तय किया उस समय की सरकार को हटाकर नई सरकार बनाए। 15 साल उनकी सरकार जब पूरी कर रही थी, उस वक्त बिहार भर के लोगों ने निर्णय लिया उस सरकार को जाना चाहिए। फिर 15 साल उसके बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। इस सरकार ने भी पूरा किया है लगभग 15 साल। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि 15 साल के बाद बिहार के लोग आप लोग परिवर्तन करते हैं। 15 साल पहले परिवर्तन किया था, फिर 15 साल पूरा हुआ है, इसलिए इस बार जरूर आप परिवर्तन कीजिएगा ऐसा हमको लगता है। जब से हम लोग विशेष रूप से राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं, तब से 30 साल गुजर गए, 30 साल बीत गए। इन 30 वर्षों में खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पटना शहर को भी हम उसी रूप में देख रहे हैं, तब भी बरसात के समय पानी में पटना डूबता था, आज भी पटना डूब रहा है। हाँ, पटना को बचाने के लिए भले उस समय से लेकर आज तक अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए होंगे, सरकारी खजाना से पैसा जरूर खर्च हो गया होगा, लेकिन धरातल पर कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। तो आखिर पैसा क्या कहा, कहने के लिए दावा तो सब लोग करते हैं। आपके यहाँ से मंत्री भी हैं, लगातार मंत्री हैं, पटना शहर में उनकी पार्टी का लगभग कब्जा रहा है, चारों तरफ उनके विधायक रहे हैं और सरकार में भी 15 साल से शामिल है लोग, लेकिन उसके बावजूद इस पटना की तस्वीर नहीं बदल पाए। हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि न तो पटना की तस्वीर बदल पाई और न बिहार की तस्वीर बदल पाई, तो आखिर कितना दिन तक इंतजार करना। 15 साल कोई कम समय नहीं होता। 15 साल में जो मुझे कोशिश की होती ईमानदारी से तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। काफी उम्मीद लेकर बिहार भर के लोगों ने इन लोगों के ऊपर जवाबदेही दी थी 2005 में। NDA के ऊपर लोगों ने भरोसा किया था कि सत्ता में आएंगे तो पटना की भी तकदीर बदलेगी, बिहार भर के जो लोग हैं उनकी तकदीर बदलेगी। नीतीश कुमार जी ने उस वक्त वादा भी किया था गांव में, बिहार भर में हर शहर में हर गांव में घूम घूम कर कि हमको ताकत दीजिएगा, सरकार में लाइएगा, तो बिहार बीमारू राज्य है, अब बीमारू राज्य नहीं रहेगा, बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने घूम घूम कर कहने का काम किया। पटना के बारे में भी ग्रेटर पटना की बात की गई, बेहतर पटना बनाने की बात की गई। 15 साल बिहार भर के लोगों ने आप सब लोगों ने दे दिया, लेकिन न तो बेहतर बिहार बन पाया और न बेहतर पटना बन पाया। हम आप सब लोगों से ही आग्रह करने आए हैं कि जिन उम्मीदों के साथ आप सब लोगों ने पटना वासियों ने इनके ऊपर दायित्व सौंपने का काम किया था, जब उम्मीद पूरी नहीं हुई 15 वर्षों में, तो आखिर कितना देर इंतजार करना है। उसके पहले जिनकी सरकार थी उनकी ओर से भी फिर से कोशिश हो रही है।
घूम रहे हैं, हमको भी दे दीजिए। फिर 5 साल और भाइयों और बहनों, उनकी सरकार के समय तो और भी स्थिति बुरी थी। पटना राजधानी, बिहार की राजधानी का शहर है पटना। पटना की सड़कों पर किस तरह से उस समय आतंक का वातावरण होता था, बिहार भर में आतंक था। नौजवान लोगों को रोजी रोटी रोजगार उस समय भी नहीं मिल रहा था। जितने उद्योग धंधे छोटे बड़े लगे हुए थे तब भी बंद हो रहे थे, बंद हो गए थे। नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए कोई उद्योग नहीं, सबका सब बंद हो गया था। अपहरण उद्योग के नाम पर जो उद्योग का धंधा चल रहा था उस पर तो और बुरी स्थिति थी। भाई और बहनों, जब 15 साल में उन लोगों ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया था तो फिर उनकी ओर से फिर से कहा जा रहा है कि दे दीजिए 5 साल। इन 30 वर्षों में न तो पुराने 15 साल वालों ने कुछ किया और न अभी वाले ने कुछ किया, और उससे भी थोड़ा पहले चले जाएंगे 30 साल पहले, तो लगातार आजादी के बाद से लेकर कुछ दिनों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में रही। इन कांग्रेसियों ने तो सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश को रसातल में पहुंचाने का काम। आपके यहाँ से सुना है कि उसी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमको जिताइए। भैया क्यों जिताइए, आपकी पार्टी को मौका तो दिया था बिहार भर के लोगों ने, देश भर के लोगों, लेकिन आपने देश को रसातल में पहुंचा। आप पिछलग्गू बनकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ लग गए, जिस राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को बर्बाद कर दिया उसके साथ लगकर आज आप कह रहे हैं कि हमको फिर से जिता दीजिए। भाई और बहनों, कहने के लिए सब लोग कहेंगे, लेकिन इतने दिनों में बिहार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, इसका हिसाब उनको देना चाहिए। इसका हिसाब लोग नहीं दे रहे, फिर से आकर कह रहे कि हमको दे दीजिए 5 साल। हम आप सब लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं, यह उनके ऊपर कितना भी भरोसा करना है, कब तक भरोसा करना है। हम बहुत पीछे की बात छोड़ भी दें तो इन 30 वर्षों में, 15 साल और 15 साल, इन 30 वर्षों में अगर इन लोगों ने प्रयास किया होता, ईमानदारी से कोशिश की होती, तो पटना की भी तकदीर बदल सकती थी, तस्वीर बदल सकती थी और पूरे बिहार की तकदीर बदल सकती थी। 30 वर्षों में इन लोगों ने सरकारी विद्यालय में शिक्षा को बर्बाद कर दिया। गरीब लोगों के लिए इलाज का इंतजाम कहीं नहीं है सरकारी अस्पताल में। नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए रोजी रोटी रोजगार कुछ नहीं है बिहार में। इन 30 वर्षों में जो नौजवान लोग जिनकी उम्र रही होगी अलग अलग समय पर, स्कूल में पढ़ने की उम्र, कॉलेज में पढ़ने की उम्र, पढ़ाई लिखाई चौपट होने के कारण उन नौजवानों का जो जीवन बर्बाद हुआ इन 30 वर्षों में, है दुनिया की कोई ताकत जो उनके जीवन को फिर से वापस आबाद कर दे? कोई ताकत दुनिया में नहीं। जो बर्बाद हो गया, जिनका जीवन बर्बाद हो गया, भविष्य बर्बाद हो गया इन 30 वर्षों में, कोई दुनिया में तरकीब नहीं है कि उनके जीवन को फिर से वापिस कर दे। हाँ, एक बात जरूर है कि जिनका जीवन बर्बाद हुआ उनको आबाद नहीं किया जा सकता, लेकिन अब आगे किसी का जीवन उस तरह से न बर्बाद हो इस बात को किया जा सकता है। आपके हाथ में, आप लोगों को चाहिए या बिहार के लोग चाहेंगे तो आगे अब नौजवानों का भविष्य, छात्रों का भविष्य नहीं बर्बाद होगा, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण इसको रोका जा सकता है। क्या स्थिति है पटना यूनिवर्सिटी, जो बिहार से ही बल्कि देश भर में सबसे अव्वल यूनिवर्सिटी में जिसका नाम आता था, आज कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? सब कुछ पटना यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी जब चौपट हो गया कहाँ चला गया? यही पाटलिपुत्र की धरती है, जिस पाटलिपुत्र का नाम देश नहीं दुनिया में रोशन होता था। यहाँ ज्ञान की रोशनी इस बिहार से निकलती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में यहाँ से फैलती थी। देश नहीं विदेश दुनिया भर के लोग यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, और उस वक्त पटना का नाम हम फख्र के साथ कहते हैं कि पाटलिपुत्र था। जब पाटलिपुत्र के समय पूरी दुनिया में पटना रोशनी देने का काम, पाटलिपुत्र रोशनी देने का काम करता था। हमारी कोशिश है कि फिर से उस खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाई जाए और उसके लिए
लिए हमने कहा है अपने एजेंडा में कि हम सबसे पहले पटना का नाम बदल कर फिर से पाटलिपुत्र करेंगे, शिक्षा की स्थिति भी दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति दुरुस्त करेंगे, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए रोजी रोटी की तलाश में जो हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, हम बिहार में ही उस तरह का इंतजाम करेंगे ताकि किसी को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। तो सब कुछ हो सकता है भाई और बहनों। दिल्ली में छोटा सा स्टेट बगल में सिक्किम में, उन राज्यों में यदि वहाँ के सरकारी स्कूल कॉलेज में अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो क्या पटना और बिहार के सरकारी स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है? यहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई हो सकती है। जब दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है तो पटना के पीएमसीएच में और बिहार के दूसरे अस्पताल में भी अच्छा इलाज का इंतजाम किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। दूसरे राज्य के लोगों के लिए यदि वहां उनके नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम हो सकता है तो इस बिहार की धरती पर पटना में क्यों नहीं लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए आज ऐसी स्थिति है। 15 साल में उन्होंने बर्बाद किया, 15 साल इन्होंने बर्बाद किया, इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं, अब इंतजार मत कीजिए। और वैसे भी जब 15 साल आप बड़े भाई को दे सकते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, 15 साल मझले भाई को दे सकते हैं इन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो क्या छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को 5 साल नहीं दे सकते? जब आपने दिया उनको 15-15 साल तो एक बार 5 साल के लिए दीजिए। आप सब लोगों ने अगर ताकत दी तो जो काम इन लोगों ने 15-15 वर्षों में नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा 15 महीना में करके बता। इन लोगों के राज में सारा काम ही ठप हो जाता है, सरकारी कार्यालय में किसी का साधारण घर बनाना हो, नक्शा पास कराना हो जाइए, बिना रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता। जबकि नीतीश कुमार जी लगातार बोलते हैं कि भ्रष्टाचार से हम 0 टॉलरेंस रखते हैं, कोई समझौता नहीं करते, और हर कार्यालय में बिना पैसा का कोई काम नहीं, तो भ्रष्टाचार भी चरम पे है, हर तरह से आपकी परेशानी है, जल जमाव का सवाल हो, साफ सफाई का सवाल हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, खबर छपी, भारत सरकार की एजेंसी ने जांच कराई और उसके आधार पे आकलन हुआ कि कौन शहर हिंदुस्तान का कितना साफ है, सबसे ज्यादा स्वच्छ कौन है, तो नीचे से पटना फर्स्ट कर रहा था, मतलब सबसे गंदा शहर पटना है। क्या कर रहे हैं आखिर, पैसा तो खर्च हो ही रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार बचने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार जी दोषी। अरे भैया, जितना नीतीश कुमार जी दोषी है पटना के लिए खासकर उससे ज्यादा दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि चारों तरफ आपके विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, लगातार नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर सरकार लोग चला रहे हैं, और जनता के लिए कोई काम हो तो सिर्फ नीतीश कुमार को लोग उंगली दिखाते। आपका अपना घर भरना था तो आप 0 से चले गए आसमान पे 15 साल में, लेकिन पटना साहिब पटना सिटी की जनता आज भी वही खड़ी है, इस बात का जवाब आपको देना है, जवाब आपको देना चाहिए। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हम भी एनडीए में उस वक्त थे, पूरे बिहार में घूम घूम कर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उम्मीदवार थे, उस पर बिहार में हर जगह जाकर बोलते थे, नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि हमको ताकत दीजिएगा सरकार में आएंगे तो बिहार में बिहार के लोगों के लिए पढ़ाई दवाई और कमाई बिहार में ही लाएंगे, हम बाहर लोगों को नहीं जाना था, नरेंद्र मोदी जी बोलते थे, लोगों ने उनको जिता दिया, एक बार नहीं दूसरी बार भी जिता दिया। कहने के लिए लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ठीक है डबल इंजन की सरकार है, तो जब डबल इंजन की सरकार कहते हुए आपने पटना साहिब
की सरकार खोजते हैं। गवर्निंग मतलब पूरी ताकत, दिल्ली में ताकत, पटना में ताकत, और उसके बावजूद आपने नहीं किया, इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। आप नहीं चाहते हैं कि आने लोगों का विकास, आप सीधे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है यार। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग या कांग्रेस के लोग हो, दोनों से सचेत रहने का काम करना चाहिए। आप गलतफहमी के शिकार हो जाइए तो फिर नुकसान हो जाए। कुछ लोग आकर कहेंगे अभी चुनाव के समय में कि हम आपके घर के हैं, हमको वोट दे दीजिए। लोग आकर बोलेंगे भैया किस बात के घर के हैं, घर के होने का यह मतलब नहीं होता कि आपको हम वोट दे दें और वोट लेकर के आप अपना मौज करते रहिए और हमारी समस्या वही की वही रहे। भाइयों और बहनों, हम सब लोगों ने विशेष रूप से अभियान की शुरुआत की अभी नहीं, अब से कई साल पहले। पटना के लोगों ने भी उस अभियान में साथ दिया है, सहयोग दिया है समय समय। आप सब लोगों ने भी साथ दिया और आज की तारीख में हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, हमारा अभियान इस मुकाम पर पहुंचा है कि अगर आप सब लोगों ने अभी चुनाव में ताकत दे दी तो पटना के एक बनने मार्ग में आपका कब्जा होगा। पटना के मुख्यमंत्री की आवाज से आप इसलिए लोग आकर कहेंगे आपके घर के हैं, यहाँ जितने उम्मीदवार हैं दूसरे लोग जीतेंगे तो और किसी का जिंदाबाद करेंगे, यहाँ से जेपी वर्मा जी जीतेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद करेंगे। नहीं तो नुकसान हुआ, करते करते चले गए जगदेव बाबू, बहुत लोग चले गए। अगर इस बार आप लोग सचेत नहीं हुए पता तो आप चले जाए, इसलिए आप सब लोगों से आ गए। यह स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी बातों को लेकर मत उलझिएगा, यह लड़ाई पटना साहिब की लड़ाई सिर्फ नहीं है, यह लड़ाई बिहार की लड़ाई है। इसलिए आप सब लोगों से आ गए, तमाम जाति धर्म के लोगों से आकर। स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी तो कोई एक जात का नहीं, तमाम जात के लोगों को फायदा होगा। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज का इंतजाम हो, रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम इस धरती पर होगा, तमाम जात धर्म के लोगों को फायदा होगा। इसलिए जिन लोगों ने नहीं किया उनको जरा सबक सिखाइए और एक मौका हमारा जो गठबंधन है उसको देने का काम। आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपने मौका दिया तो विकास का भी काम होगा हर तरह से, और साथ ही साथ सत्ता में भी भागीदारी देने का काम हम करेंगे। इन बेईमानों ने वोट लिया तमाम के सभी जात, तमाम सभी जात धर्म के लोगों का, कहा कभी कि चिन्ह निकल गया बक्सा से, ठीक चिन्ह निकलना था बक्सा से, लेकिन बक्सा से जो चिन्ह निकलता था वही अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, गरीब लोगों का वोट। बक्सा में लोग ठूस ठूस कर देते थे तो कहते थे कि चिन्ह निकल गया, तो वोट लेने के लिए तमाम गरीब और सत्ता में जाने के बाद गरीब को भूल गए, कहीं सत्ता में भागीदारी नहीं थी। हमने तय किया है, हमारे गठबंधन ने तय किया है, आप ताकत देंगे तो हम समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भी भागीदारी देने का काम करेंगे। हमारा फैसला है कि हम चार उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप लोगों की ताकत हुई तो चार डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक डिप्टी सीएम बनाएंगे दलित समाज से, एक डिप्टी सीएम बनाएंगे अति पिछड़ा समाज से, एक अकलियत समाज से, और एक जो अगली जात के भी गरीब लोग हैं उनके साथ भी बेईमानों ने न्याय नहीं किया है, तो एक उस समाज से भी डिप्टी सीएम बनाने का काम है। चारों डिप्टी सीएम में एक महिला होगी, मतलब महिला का भी सम्मान, उनको भी उनकी हिस्सेदारी देने का काम है। समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी और समाज के सभी लोगों के लिए सुनिश्चित करने का काम हमारा गठबंधन करेगा। इसलिए आपसे आग्रह है, यह जो हमारा गठबंधन है इस गठबंधन में महान मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी
पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से है आजाद जी, कुम्हरार से बगल के क्षेत्र से, जहां जहां से हर जगह से तमाम 243 जगह हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। पटना शहर के सभी जगह से हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। जहां जहां से जो जो उम्मीदवार जिस पार्टी के हमारे गठबंधन की ओर से है, सब लोगों को आप सब लोग मिलकर जिता के जहां के जो मतदाता है, पटना साहिब से जो हमारे उम्मीदवार हैं जेपी वर्मा जी, सामाजिक कार्य के लगातार पूरा जीवन समाज के प्रति उन्होंने समर्पित कर दिया है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, इनको जिताइए, इनका चुनाव चिन्ह इस क्षेत्र में क्या है, चुनाव चिन्ह मालूम है ना आप लोगों को? पंखा छा। पंखा की एक और खासियत है, पंखा जब चलता है यह नहीं देखता कि नीचे बैठा हुआ व्यक्ति हिंदू है कि मुसलमान है, गरीब है कि अमीर है, किस जात का है, किस धर्म का है, सबको बराबर हवा देने का काम करता है, सबको बराबर हवा देता है, मतलब सबके लिए समान भाव, समान नजर से सबको देखने का काम पंखा करता है। यही हमारा गठबंधन है। आप सब ताकत देंगे समाज के सभी वर्गों को समान नजर से देखते हुए सबको सत्ता में भागीदारी और बाकी सब के लिए न्याय का काम हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, एक एक कीमती वोट दीजिए, पंखा निशान के सामने की बटन को दबाइए और भारी मतों से जेपी वर्मा जी को यहाँ से जिता। क्या विचार है, सब लोग जिताइएगा नहीं तो हाथ उठा के बताइए, वोट दीजिएगा सब लोग, सब लोग वोट दीजिएगा इनको। और कुम्हरार के उम्मीदवार हैं दोनों आदमी को हम लोग चीज किया कि बधाई के रूप में माला पहना दे, बोली हाथ उठाकर चलिए तो हम लोग माला इनको देंगे, लेकिन उसके पहले एक नारा लगाएंगे, आपसे आग्रह के साथ दीजिए, आप लोग ऐसे मत बोलिए, नीचे के लोग बोलेंगे या पीछे से बोल सकते हैं, हम कहेंगे अब की बार आप लोग कहिए शिक्षा वाली सरकार, अब की बार अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार। महीने में काम कर पाएंगे आपका होगा जवाब तो जी। आज नहीं, 3 साल पहले जब हम भारत सरकार में मंत्री थे उसी वक्त हमने 25 सूत्री डिमांड बिहार सरकार के समक्ष रखा था, शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्या करना जरूरी है, 25 सूत्री डिमांड आज हमने एजेंडा के रूप में शामिल किया है। बिहार की सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले 25 सूत्री डिमांड जो हमारा पुराना था उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। उसमें सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं उनकी बहाली की दूसरी व्यवस्था जिसमें अच्छे टीचर आ पाए, सरकारी स्कूल में हर तरह से योग्य टीचर की बहाली, जो टीचर बहाल हैं उनकी समस्याओं का समाधान, बच्चे समय पर आवे इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था, टीचर के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हर तरह से, साथ ही साथ तमाम जिलों में एक एक आवासीय विद्यालय हम खोलेंगे, नवोदय विद्यालय की तरफ आवासीय विद्यालय में गरीब घर के बच्चे ही पढ़ेंगे, कोई फीस नहीं, वहाँ रहने की फ्री व्यवस्था, खाने की फ्री व्यवस्था, तमाम
तमाम तरह की फ्री व्यवस्था और अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। हर तरह से पूरा का पूरा एजेंडा हमारा है। जो उद्योग लगाना लोग चाहते हैं उनको सिंगल विंडो बना करके जमीन उपलब्ध कराना हो या बिजली का कनेक्शन देना हो, पानी का कनेक्शन देना हो, उनको ऑफिस ऑफिस नहीं दौड़ना पड़ेगा। राज्य की सरकार का ही एक बार आवेदन देंगे और तमाम चीज़ों का समाधान नियत समय पर उनको करके राज्य की सरकार देगी। तो इस तरह से हर वह कदम उठाएंगे जो कदम लोगों के लिए जरूरी है और एकदम निश्चित समय अवधि में। आखिर क्या मुख्य कारण है सर कि मतलब कितने सरकारें आई गई, आज़ादी के 74 साल हो गए फिर भी बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं आई, क्या कारण है सर, मुख्य कारण बताएं। कारण इसलिए है कि एक बार वोट दे देते हैं और जो काम नहीं करता है उसके बावजूद लोग बार बार वोट देते रहते हैं। ये काम न करे तो बदलाव करना चाहिए। बदलाव अगर जनता करेगी तो जो लोग जाएंगे चुनकर उनके मन में भय होगा कि अगर हम नहीं काम करेंगे तो अपनी बार लोग तुरंत हटा दें। अब लोगों से मेरा आग्रह है कि 15 साल किसी को मत दें, 5 साल देखें, 5 साल में नहीं अगर काम हो रहा है तो 5 साल में ही बदलाव कर दें। यह बात जनता जिस दिन करना शुरू कर देगी तब लोग काम करने आए। अच्छा सर, ये पार्टी द्वारा कहा गया कि 10 लाख हम रोजगार देंगे सरकार बनते हैं, बीजेपी द्वारा कहा गया कि 19 लाख रोजगार देंगे, आप क्या करें अगर आपकी सरकार बनती है? इन लोगों ने पहले क्यों नहीं दिया जब सरकार उठे 15 उस पर किसी ने मना कर दिया था कि नहीं दीजिए रोजगार, कुछ नहीं है इन लोगों को देना उना कुछ नहीं है। चूँकि मालूम है कि इस बार जनता पूछेगी रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, तो पहले ही से जवाब तैयार रखे हुए हैं, करना कुछ नहीं। हमने बताया है कि हम लोगों को रोजगार मिले उसके लिए छोटा छोटा उद्योग हर जिला में लगाएंगे। इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाने वाले लोग हैं उनके लिए हमने कहा कि उनको विशेष सुविधा देंगे ताकि लोग छोटा छोटा उद्योग कृषि उत्पाद पर आधारित छोटा छोटा उद्योग लगाएं, उससे किसानों का भला होगा और हर जिला में वहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ सरकार के विभिन्न विभागों में जो वैकेंसी है उसको भी 6 महीना के अंदर हम भरेंगे, इस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा। पटना साहिब से जीत की रणनीति के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हर मोहल्ला में हमारे साथी जा रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, अपना एजेंडा लोगों को बता रहे हैं और उस एजेंडा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। लोग वोट देंगे, हम जीतेंगे। नीरज सर, रामेश्वर जो है इस बार किस मुद्दा के साथ जो है मैदान में उतरे? देखिए, मैदान में हम उतरे हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, यही हमारे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाकर हम आग्रह कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जहाँ गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ अच्छे से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था, सरकारी अस्पताल में दवाई मतलब इलाज का इंतजाम, नौजवान मजदूर के लोगों के लिए इसी धरती पर रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम, मतलब कमाई, किसानों की कमाई भी बढ़े, तो इस तरह से यही सारे मुद्दे हैं। सर, अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं निकला है लेकिन भाजपा का तरफ से लगातार ये हो रहे हैं कि हम दो टीका कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक फिर जुम्मेवारी पूरा का पूरा उनको जवाब देना चाहिए। बीजेपी को बिहार में चुनाव, बिहार में कह रहे हैं कि दीजिए हमको वोट, हम फ्री में कोरोना का वैक्सीन दें। आखिर बिहार के लोगों को फ्री में देंगे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को पैसा लेकर देंगे क्या? उनको बताना चाहिए। और अगर यहाँ लोगों ने वोट नहीं दिया, अगर नहीं जीत पाए तो क्या फिर यहाँ के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगा? देखिए, कुछ नहीं है, इन लोगों की आदत है कि कुछ भी बोलकर जनता के वोट को ले लें, वरना वैक्सीन तो फ्री में, मान लिया कोई गरीब आदमी है और दूसरे राज्य में है, वहाँ अगर पैसा लेकर देंगे तो कहाँ से कोई गरीब आदमी वैक्सीन ले पाएगा? कुल मिलाकर सरकार की ड्यूटी है, चाहे जिसकी सरकार है, फ्री में वैक्सीन देना उनकी ड्यूटी है। इसलिए जनता का वोट मिले ना मिले इससे कोई संबंध नहीं, यह तो चुनाव का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, गलत मुद्दा। अभी जो बुलंद है मुंगेर का, जो हमें हादसा हुआ है मुंगेर हुआ है, फिर उसके बाद कई ऐसे जो बुलंद सोचा है कि नीतीश सरकार में जो भाजपा उनके साथ में है, उसका आपका क्या कहना? देखिए, सरकार पूरे तौर पे फेल है। सरकार नाम की, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, जिसकी जो मर्जी करे, वही मुंगेर में हुआ। और जब पुलिस सामने आई पहले तो रोक नहीं पाई, और रोकने के बाद जब लोग उग्र होने लगे
उसके बाद गोली चलाना। अब इस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी, अब पूजा पाठ भी लोग नहीं कर पाएंगे। कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदन लगाकर घूमते हैं और कहते हैं कि हम राम के बहुत बड़े भक्त हैं, और वहाँ जब पूजा करने के लिए लोग श्रद्धालु लोग जा रहे थे उनके ऊपर उनकी पुलिस गोली चलाती है। तुरंगा इनका रूप है, जनता को मालूम होना चाहिए और जनता देख ली। आप इस कोरोना पीरियड में चुनाव हो रहा है, वही दशहरा जैसा प्रभाव मतलब जैसा प्रभाव को बंद करवा देना, इसको किस रूप में लेते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, एहतियात का इंतजाम होना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए। हमको आपको सबको खुद ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन सरकार के रवैया, सरकार की जो दुरंगी नीति है वो पूरे तौर पर गलत है। और पूजा पाठ पर इस तरह से रोक, हाँ वहाँ लोगों को जरूर हिदायत की जाए कि भाई कोरोना से बचने का जो प्रोटोकॉल है उसको लोग माने, लेकिन किसी भी तरह से पुलिस के द्वारा गोली चलाना बिल्कुल गलत। सर, अभी आपने घोषणा में कहा कि हमारे सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी सीएम, तो कितना मजबूती आएगा अगर आपकी सरकार में 4? आप देख लीजिए, देश के राज्य हैं जहाँ 5 डिप्टी सीएम, तो सत्ता को जितना बांटिएगा, जितना लोगों का कॉम्पिटिशन होगा उतना बेटर होगा। डेमोक्रेसी में पावर जितने लोगों के बीच जाएगा, डेमोक्रेसी यही तो है, एक जगह पावर सेंट्रलाइज ना हो, लोगों के बीच रहे, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ सकते हैं। आपके कैंडिडेट यहाँ जो खड़े हैं, आप किस रूपों को लेते हैं, कितना दबंग है, आप कितना जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ कदावर नेता भी लग रहे हैं? तो परिणाम बतावे, हमारे जो कैंडिडेट हैं लगातार सामाजिक कार्यों में 24 घंटा लगे रहते हैं, आज नहीं कोई चुनाव है तब नहीं, इन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया है समाज के प्रति, तो इनको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, जीतेंगे तो ज़्यादा काम नहीं करेंगे।